नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। इंग्लैंड दौरे में एक टेस्ट, तीन वनडे व तीन T20 मैच खेलने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चयन कर लिया गया है, जिसमें युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली है। आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें सभी प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20 में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर शिखा पांडे और विकेटकीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया की टीम भी वापसी हुई है। दोनों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे और T20 सीरीज से बाहर थे। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड दौरे के लिए दो टीमों की घोषणा की है। इकलौते टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए मिताली राज के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीम बनाई गई है और T20 के लिए अलग 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर को दी गई है। सैफ अली के अलावा अनकैप्ड विकेटकीपर इंद्राणी रॉय ने तीनों फॉर्मेट में जगह बनाई है, जबकि कोरोना से ना ओवर पाने के कारण लेग स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ को छोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला टीम 16 जून को ब्रिस्टल में टेस्ट मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद वह तीन वनडे और तीन T20 मैच खेलेगी। इस दौरे पर रमेश पवार 2 साल बाद भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में वापसी करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि भारत की टेस्ट और वनडे टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है। टेस्ट और वनडे के लिए घोषित की गई टीम में कप्तानी करेंगे मिताली राज, शामिल हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, पूनम राउत, प्रिया पूनिया, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, शेफाली वर्मा, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, इंद्राणी रॉय, चूलन गोस्वामी, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रवर, अरुंधति रेड्डी, पूनम यादव, एकता बिष्ट और राधा यादव। T20 की टीम की अगर बात करें तो यहां कप्तान है हरमनप्रीत कौर, खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, हरलीन देओल, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, इंद्राणी रॉय, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रकर, अरुंधति रेड्डी, पूनम यादव, एकता बिष्ट, राधा यादव, सिमरन दिल बहादुर आदि का नाम शामिल है। एक अन्य खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति, जिन्हें BCCI ने नहीं चुना है, उनको ना चुने जाने पर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लीजा स्टालेकर ने BCCI की निंदा की है। लीजा स्टालेकर का मानना है कि BCCI ने परिवार के 2 सदस्यों के निधन के बाद भी वेदा कृष्णमूर्ति से ना तो कोई संपर्क किया और ना ही यह बताना उचित समझा कि आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए इस शो का कुल खिलाड़ी के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में मध्यक्रम की इस बल्लेबाज की बहन बत्सला शिव कुमार का कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया था। इससे 2 सप्ताह पहले इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से उनकी मां का भी निधन हो गया। अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय महिला टेस्ट और वनडे टीम में वेदा को जगह नहीं दी गई। लीजा स्टालेकर का कहना है कि BCCI को सिर्फ मैचों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी करना चाहिए कि अपने खिलाड़ियों का वह ध्यान रखें।